अब तक जिन्होंने क्रू मीडिया रूम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर पहले सब्सक्राइब कीजिए। और अगर हमारे चैनल की अपडेट को जानना चाहते हैं, तो उसके बगल में दिए गए बेल आइकॉन को दबाकर आप हमारी अपडेट की जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। हमारे सभी कर्मचारियों से निवेदन है कि आप सार्वजनिक स्थान एवं अपने कार्य क्षेत्र में सदैव उचित दूरी का विशेष रूप से ध्यान रखें और नोज मास्क एवं सैनिटाइजर का उपयोग अवश्य करें। और ये सदैव याद रखें, आपका परिवार आपके लिए आपके घर में इंतजार कर रहा है। नमस्कार, चेन्नई राधा इंजीनियरिंग संस्था की ओर से आपका कंदस्वामी। आज का मुख्य समाचार कुछ इस प्रकार है। हमारी जे जो भी पीढ़ी के बंदरगाह में फिर से एक उपलब्धि को हासिल किए हमारे ओएनएम के समूह। सीबीएम कंडीशन बेस्ड मॉनिटरिंग से संबंधित प्रशिक्षण को हासिल किए हमारे पीपीडी साइट के समूह। और अब समाचार विस्तार से। हमारी JSW PDP बंदरगाह में फिर से एक उपलब्धि को हासिल किए हमारे ओएनएम के समूह। हमारी JSW पारादीप संस्था ने जिस समय वहां निर्माण कार्य किया था, तब L&T संस्था द्वारा ट्विन टिप्लर एवं एलिकॉन संस्था द्वारा सिंगल वैगन टिप्लर को और इन दोनों टिप्लरों को एक ही समय पर वहां संचालित किए जाने के प्रकार से उसे बनाए गए थे। मगर कोरोना संक्रमण के कारण अभी तक इसे सही तरीके से हैंडओवर नहीं किए जाने एवं अब तक इसे परीक्षण मोड में संचालित किए जाने की वजह से इसमें दैनिक तौर से लगातार नई नई समस्याएं उत्पन्न होने की वजह से हमारे कर्मचारियों एवं इंजीनियरों ने इसमें निरंतर रूप से कई गंभीर चुनौतियों का सामना कर और इन समस्याओं से निजात पाए जाने के लिए इसमें कई उचित मॉडिफिकेशन कर दिनांक 1/4/2020 से लेकर दिनांक 29/6/2021 तक यहां तकरीबन 1000 रैकों को अनलोडिंग कर उपलब्धि को हासिल किए हैं। और ये बेहद ध्यान देने योग्य है। और ये उपलब्धियों की निरंतरता के रूप में ही हमारी JSW पारादीप बंदरगाह में एक ही दिन में यानी 24 घंटों के अंदर 68,591 मेट्रिक टन आयरन आर को सिल्वर स्टार वेजल में निर्यात कर उपलब्धि को हासिल किए हैं। इन उपलब्धियों को अपनी बेहतरीन योजना एवं बेहद उचित रखरखाव और जीरो ब्रेकडाउन के साथ साथ ऑपरेशन एवं मेंटेनेंस जैसे ये सभी विभाग की बेहतरीन योगदान एवं ये सभी एकजुट होकर कार्य किए जाने की बदौलत से ही इस उपलब्धि में हमें सफलता हासिल हुई है। इन उपलब्धियों की प्रशंसा किए जाने के तौर से हमारी JSW ऑपरेशन के सीनियर मैनेजर श्री सत्य प्रदा महापात्रा जी ने हमारी संस्था की इस महत्वपूर्ण कार्य की प्रशंसा करते हुए हमें प्रशंसा पत्र प्रदान किए हैं। इसके साथ ही JSW के सीनियर VP श्री जयेश भट्ट जी ने हमारे निदेशक आदरणीय श्री VR रामू जी एवं सभी कर्मचारियों को इसके लिए अपनी शुभकामनाएं जाहिर किए हैं। और रेसिडेंट मैनेजर श्री ये रमेश जी, साइट आरम श्री HK मंडल जी, ओएनएम मैनेजर श्री राजा राम जी, ऑपरेशन मैनेजर श्री दिलीप कुमार जैना जी, HOD श्री निरंजन मिश्रा जी एवं श्री रामराज जी ने हमारे सभी कर्मचारियों के साथ अपनी शुभकामनाएं साझा किए हैं। CBM कंडीशन बेस्ड मॉनिटरिंग से संबंधित प्रशिक्षण को हासिल किए हमारे PPT के समूह। हमारी संस्था अपने सभी कर्मचारियों की कार्य कौशल को सही प्रकार से जांच पड़ताल कर उन्हें उनके मुताबिक कई प्रकार की प्रशिक्षण प्रदान कर इससे उनकी कार्य कौशल एवं उनकी तकनीकी क्षमता में सुधार कर उनके उन्नति के मार्ग को प्रशस्त कर रहे हैं। उस प्रकार हमारी PPT साइट में रेसिडेंट मैनेजर्स श्री ये रमेश जी एवं श्री डी मोहन जी की मार्गदर्शन से हमारे CBM विभाग के श्री रामा रविंद्र जी CBM इंजीनियर द्वारा मैकेनिकल एवं इलेक्ट्रिकल के समूह को वाइब्रेशन एनालाइजर्स विश्लेषण की विधि के बारे में और इस विश्लेषण को किए जाने से यंत्रों में उत्पन्न होने वाले लाभों से संबंधित इसकी स्पष्टीकरण किए जाने के साथ साथ यंत्रों में उत्पन्न होने वाली उन दिक्कतों की सही तरीके से जांच पड़ताल किए जाने से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान किए हैं। और वे सभी जिन्होंने इस प्रशिक्षण में भाग लिए उन्होंने इसके लिए अपने तहे दिल से शुक्रिया अदा किए जाने के साथ साथ इस प्रशिक्षण के दौरान अपने उन आवश्यक स्पष्टीकरण की भी जानकारी को हासिल कर अपनी तकनीकी कौशल को और भी विकसित किए हैं। और इस प्रशिक्षण का उद्देश्य एवं प्रगति के लिए PPT साइट के रेसिडेंट मैनेजर्स श्री ये रमेश जी एवं श्री डी मोहन जी ने इसके लिए अपनी प्रशंसा को जाहिर किए हैं। और इसी प्रकार की कई नई खबरों के लिए हमारी क्रू न्यूज के साथ जुड़े रहिए। और अगर आप हमारी अपडेट की जानकारी को जानना चाहते हैं, हमारी क्रू मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।